हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, आप अपने जो डीजे में मिक्सर यूज़ करते हैं उसको कैसे परफेक्ट गेन स्ट्रक्चर में रखें, यानी प्रॉपर यूज ऑफ डीजे मिक्सर, कैसे आप डीजे मिक्सर को प्रॉपर यूज करें ताकि आपका मिक्सर साउंड क्वालिटी अच्छा दे सके और आपका एम्पलीफायर जो है क्लिपिंग ना करे जल्दी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए, साथ ही साथ घंटी बेल को बजाना ना भूलिए। मैंने डीजे 3 चैनल का मिक्सर, आप कोई भी मिक्सर ले सकते हैं, और चलिए इसको हम कैसे यूज करेंगे ताकि हमारा एम्पलीफायर जो है क्लिपिंग ना करे, और मिक्सर को कैसे हम परफेक्ट गेन स्ट्रक्चर में रख पाएंगे और अच्छे से चला पाएंगे, जैसे कि अच्छा क्वालिटी का साउंड निकल के आएगा और अच्छा लगेगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम इस मिक्सर के बारे में आपको डिटेल्स बता देता हूं। देखिए यहां पर ये जो है आउटपुट के इंडिकेटर है, ये लेफ्ट चैनल के लिए और ये है राइट चैनल के लिए। जो आपने आउटपुट लिया है लेफ्ट चैनल के लिए और राइट चैनल के लिए, यहां पर आपको इंडिकेट करेगा ये लेफ्ट चैनल के लिए और ये राइट चैनल के लिए। और दोस्तों ये है यहाँ पर देखिए चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4। ये चैनल 1, 2, 3, 4 का ये जो है फेडर है, वॉल्यूम का फेडर है, और यहाँ पर आपको मिलेगा मास्टर का वॉल्यूम, यानी आप टोटल का जो आउटपुट देंगे यहाँ पर मास्टर में ये चला जाएगा। और दोस्तों ये चैनल 1 के लिए आपका मिक्सिंग कंसोल है यहाँ पर, और चैनल 2 के लिए, चैनल 3 के लिए और चैनल 4 के लिए। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। चैनल 1 पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक है नॉब जो फोनो है और एक लाइन है, तो आपको इसको कहाँ पे रखना, पहले इसको जे लाइव डीजे यूज कर रहे हैं तो आप इसको, इस स्विच को आप लाइन की तरफ रखिए, क्योंकि आम लाइन में ही परफेक्ट साउंड जो आता है। और ये फोनो का मैं आपको दूसरे कभी बताऊंगा। आप अगर डीजे लाइव डीजे चला रहे हैं तो लाइन पर ही रखिए हमेशा, और लाइन से ही यहां पर इनपुट दीजिए। पहले इस स्विच को लाइन की तरफ कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए 3 नॉब है जो ट्रिपल के लिए है, मिड के लिए है और बेस के लिए है, और यहाँ पर एक दोस्तों देखिए गेन के लिए है। तो ये पहला नॉब है जो गेन के लिए, आप यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है एलईडी इंडिकेटर कि आपका गेन कितना है, यानी आपका जो इनपुट है, आप अगर मोबाइल से इनपुट ले रहे हैं या फिर लैपटॉप से इनपुट ले रहे हैं, जहाँ कहीं से भी इनपुट ले रहे होंगे, यहाँ पर आप अगर इसको गेन को बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर इनपुट आ जाएगा। इसको आपको दोस्तों आपको इतना ही बढ़ाना है कि आप इसको 0 dB तक ही रखें, 0 dB से ज़्यादा इसको ना करें। इसी हिसाब से आप अपना गेन को बढ़ा सकते हो या फिर कमा सकते हो, आप अपना 0 dB पे रखिए। अगर दोस्तों आप मोबाइल पे चला रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत आता है गेन के में, और इसको आप अगर लैपटॉप वगैरह से चलाएंगे तो गेन का थोड़ा कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों जो नॉप है हमारा ट्रिपल के लिए, यानी जो हम ट्विटर वगैरह लगाते हैं हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, यहाँ पर आपको है। आप अपने हिसाब से इसको कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, आप मेरे माने तो आप इसको भी 0 dB पे ही चलाइए। और दोस्तों ये मिड है जो हमारा वॉइस होता है, और सॉन्ग कोई भी सॉन्ग हम अगर चलाते हैं तो उसका वॉइस जो होता है ये मिड है, इसको भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन इसको भी 0 dB रखना सही होगा, क्योंकि 0 dB में जो साउंड होता है दोस्तों वो बहुत ही मतलब जो प्रोफेशनल साउंड इंजीनियर होते हैं वो भी 0 dB में ही रखते हैं, साउंड क्वालिटी अच्छा जो आता है। और दोस्तों ये है हमारा लो फ्रिक्वेंसी यानी बेस, बेस में दोस्तों आपको इसको भी 0 dB में रखना है। अगर किसी सॉन्ग पे आपका बेस कम है तो आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। दोस्तों ये चारों चैनल जो मिक्सिंग कंसोल है वो सेम ही है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए माइक का एक दिया गया है, आप यहाँ पर माइक इनपुट डाल सकते हैं, डीजे माइक इन लिखा है, और इस तरफ करने से ये ऑन होगा, ये यहाँ पर रखने से ऑफ होगा, और यहाँ पर करने से दोस्तों आप कोई भी संग अगर बजा रहे हैं उसके ऊपर अगर आपको कुछ कहना है तो टक ओवर में रख के आप कहिए। इसका दोस्तों ये गेन है, ये ट्रिपल और ये बेस है। तो दोस्तों अब इसके बारे में आपको मैंने डिटेल्स बता दिया है, चलिए चलते हैं इस तरफ पे। यहाँ पर देखिए ये बूथ क्यू लेवल और ये क्यू मिक्स, इसका आपको लाइव डीजे में कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप कोई गाना मिक्सिंग करें तो इसको ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए बैलेंस, इसका दोस्तों ज़रूरत है, अगर यहाँ पर एल लिखा है, यहाँ पर
आर रेखा, यानी अगर आप इस नब को इस तरफ करते हैं तो यहाँ पर जो आपका एलईडी लेफ्ट चैनल के लिए आउटपुट देगा, और इस तरफ करते हैं तो राइट चैनल के लिए आउटपुट निकलेगा, और अगर आप इसको बीच में रखते हैं तो ये दोनों चैनल के लिए बराबर लेफ्ट चैनल और राइट चैनल के लिए आउटपुट देगा। तो दोस्तों ये सभी चैनल के लिए वॉल्यूम का फेडर है, और दोस्तों ये है जो हमारा जो मास्टर का वॉल्यूम, और यहाँ पर दोस्तों इसका जो स्लोप है ये आपको ज़रूरत नहीं है लाइव डीजे के लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर लाइव डीजे में जो प्रोग्राम होता है वो हम मोबाइल या लैपटॉप से यूज करते हैं, और जो पहले से ही मतलब डीजे का गाना मिक्सिंग होके होता है उसको ही बजाते हैं। अगर आप कोई गाना यूज कर रहे हैं डीजे मिक्सिंग के लिए तो इसका आपको यूज करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए फोन्स के लिए आप हेडफोन्स के लिए यहाँ पर से आउटपुट ले सकते हैं, डीजे के लिए भी दोस्तों हम ये नॉब यूज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पावर बटन का इंडिकेटर है। चलिए आपको मिक्सर का दिखाता हूँ कनेक्टर वगैरह। यहाँ पर सब XLR और RCA केबल के लिए हम यहाँ पर देखिए लेफ्ट चैनल और राइट चैनल के लिए आउटपुट ले सकते हैं, और ये चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 और चैनल 4 के लिए ये इनपुट्स हैं। और दोस्तों यहाँ पर RCA आप इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि आपने देखा है मैंने लाइन पे इनपुट दे रखा है। यहाँ पर देखिए लाइन और फोनो है, आपको लाइन पे इनपुट देना है, फोनो पे इनपुट नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि इसको चला के दिखाएंगे कैसे आप अपना गेन लेवल परफेक्ट रखेंगे। तो दोस्तों अभी इसको मिक्सर को हम ऑन कर लेते हैं। चलिए पहले यहाँ पर मैंने मिक्सर को ऑन कर लिया है, अभी मैंने मोबाइल से इनपुट भी ले लिया है दोस्तों, और अभी हम प्ले करते हैं देखते हैं और इनपुट कैसे लेंगे आपको मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों इसको मैंने चैनल 1 पर इनपुट दिया है, और यहाँ पर मैंने सॉन्ग जैसे ही प्ले कर दिया यहाँ पर इनपुट लेवल आ रहा है, हमको दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने मास्टर लेवल को आउटपुट नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर आउटपुट नहीं दिखा रहा है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसको 0 dB तक लेके जाना है। यहाँ पर नहीं आ रहा है, मैंने मोबाइल से जैसे मैंने कहा था मोबाइल से थोड़ा गेन का दिक्कत था, अगर अब मैंने लैपटॉप यूज करता तो यहाँ पर मेरा 0 dB आ जाता। जैसे मैंने इसको गेन को मोबाइल पे यूज किया हूं इसलिए गेन को थोड़ा इसको बढ़ाऊंगा, तभी देखिए ये मेरा गेन बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों यहां पर मैंने अगर गेन को बढ़ाता हूं तो ये 0 dB पे अभी आ गया है। पहले हमको इसको गेन को बढ़ाकर 0 dB पे लाना है, जब 0 dB पे ये आ जाए फिर हमको क्या करना है इसको मास्टर वॉल्यूम को अब इससे पहले दोस्तों इस चैनल का वॉल्यूम को फुल कर देना है और इसको मतलब 0 dB पे रख देना है। अभी देखिए कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, अभी हम मास्टर वॉल्यूम को ऊपर करेंगे, फेडर को ऊपर करेंगे तो ये आउटपुट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आउटपुट जैसा ही मास्टर का खोल रहा हूँ यहाँ पर ये आ गया हमारा आउटपुट लेवल। इससे हमारा क्या होगा, एम्पलीफायर क्लिपिंग नहीं करेगा दोस्तों। इसको हम मास्टर को थोड़ा और बढ़ाते हैं। दोस्तों मास्टर लेवल को बढ़ाकर यहाँ तक +2 dB तक जा सकते हैं, 0 dB तक रखे तो अच्छा है, +2 dB तक आप जा सकते हैं। बस इतना ही, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ दोस्तों अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। बस इतना ही, तब तक के लिए अपना